शिवराज सिंह चौहान ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत दी। 56 लाख उपभोक्ताओं को 255 करोड़ का लाभ होगा। दिल्ली से आया युवक सिंगोड़ी में निकला कोरोना पॉजिटिव। छिंदवाड़ा चांदनगर कांग्रेस कमेटी एवं किसानों ने महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। श्योपुर कमिश्नर चंबल एवं रेंज आईजी ने किया श्योपुर शहर का भ्रमण। इंदौर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, परिजनों का हंगामा। सांवेर में भाजयुमो की हुई चुनावी बैठक संपन्न, सांवेर जीत के लिए मंत्री ने खोला घोषणा का पिटारा। सिंगरौली नदी की तेज धारा में चार घंटे तक फंसे रहे चार बच्चे, प्रशासन ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। सिंगरौली में दो नए कोरोना केस की पुष्टि, कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के परिजनों को भी होम क्वारंटाइन किया। श्योपुर कंटेनमेंट एरिया समाप्त, अब नए आदेश, ऑड इवन नियम के हिसाब से खुलेंगे शहर के बाजार। इंदौर लोन की किश्त नहीं भरने पर कंपनियां कर रही परेशान, पीड़ित महिलाएं संभागायुक्त कार्यालय ज्ञापन देने पहुंची। इंदौर संजय गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस को आई उनकी प्रतिमा याद, कांग्रेसियों ने संभागायुक्त पहुंचकर प्रतिमा गुमशुदगी का दिया ज्ञापन। गरियाबंद में अतिक्रमणकारियों की शामत, कब्जाधारियों को भारी बारिश में किया बेदखल। सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, भारतीय जनता युवा मोर्चा सांवेर में की वृहद बैठक। सांवेर में भाजयुमो की हुई चुनावी बैठक संपन्न, सांवेर जीत के लिए मंत्री ने खोला घोषणा का पिटारा। महू के धारनाका में आज एक वाहन में चार से पांच गायों से भरा हुआ वाहन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। इंदौर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर हुआ आयोजन, बंगाल में मुखर्जी को नहीं याद करना दुर्भाग्य, कैलाश। इंदौर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, परिजनों का हंगामा। संजय गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस को आई उनकी प्रतिमा याद, कांग्रेसियों ने संभागायुक्त पहुंचकर प्रतिमा गुमशुदगी का दिया ज्ञापन। महू जंगलों में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। इंदौर निजी कंपनियों की धमकी से परेशान हुई महिलाएं, स्वयं सहायता समूह को लोन बना महिलाओं के गले की हड्डी। गरियाबंद भाजपा ने मनाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, बूथ स्तर पर घरों पर कार्यकर्ताओं ने किया पूजा। इंदौर विवाह आयोजन करने के लिए शुभ समाचार, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य, बैंड और पुजारियों सहित 8 से 9 लोग अतिरिक्त शामिल हो सकेंगे। तिंगरौली 3 किलो गांजा के साथ एक तस्कर पकड़ाया, धारदार हथियार के साथ पकड़ाए गए दो आरोपी। सिंगरौली मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी, आए दिन हो रहा है मजदूरों का शोषण। उज्जैन कांग्रेस और विद्युत मंडल की जुगलबंदी, विद्युत सप्लाई बंद होने से नागरिक हो रहे परेशान। बड़नगर उज्जैन किसानों ने स्वयं के पैसे से किया सड़क का निर्माण, शासन प्रशासन व पंचायत नहीं दे रहे हैं ध्यान।